दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। क्रिकेट का महासंग्राम यानी वीवो आईपीएल 2021 के फेज 2 का पहला महामुकाबला हमें मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच 19 सितंबर को भारतीय समय अनुसार शाम के 7:30 बजे से दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में देखने को मिलने वाला है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, रोमांचक और शानदार ये मैच होने वाला है और इस वीडियो में हम इस महामुकाबले से जुड़ी सभी इंफॉर्मेशन के बारे में पूरी तरह से विस्तार से खुलकर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि भाई क्या होने वाली इस महामुकाबले में, दोनों टीमों की फाइनल प्लेइंग 11 क्या-क्या बड़े अपडेट्स यहां पर दोनों टीमों को लेकर निकल कर आ रहे हैं, हेड टू हेड रिपोर्ट क्या है, यूएई में कौन सी टीम का वर्ल्ड हैवी है और किस टीम के जीतने के चांसेस यहां पर सबसे ज्यादा है, यानी भाई इस मैच का पूरा एनालिसिस आप सभी लोगों को इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि यदि आप सभी लोग क्रिकेट से जुड़ा हर एक छोटा बड़ा अपडेट पूरे इंटरनेट पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए अब हम बात करते हैं इस महामुकाबले की। तो भाई मैंने आप सभी लोगों को बताया कि एक तरफ है हिटमैन की शेरा, वही दूसरी तरफ है महेंद्र सिंह धोनी के 11 शेर, लेकिन दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में कौन करेगा किसको ढेर जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीएल 2021 में अभी तक दोनों ही टीमों की पॉइंट्स टेबल में स्टैंडिंग्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आईपीएल 2021 में अभी तक चेन्नई सुपर किंग्स ने कुल 7 मैच खेले हैं जहां पर भाई 5 मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की है, 2 मुकाबलों में हार का सामना भी करना पड़ा है और 10 पॉइंट्स के साथ यह टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर। वही हम बात करते हैं मुंबई इंडियंस के बारे में। तो भाई मुंबई इंडियंस की टीम ने भी आईपीएल 2021 में अभी तक कुल 7 मैच खेले हैं जहां पर भाई 4 मुकाबलों में इस टीम को जीत मिली है, 3 मुकाबलों में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है और 8 पॉइंट्स के साथ यह टीम फिलहाल चौथे नंबर पर, यानी भाई दोनों टीमें फिलहाल टॉप 4 में है। तो भाई कहीं ना कहीं तगड़ी टक्कर हमें देखने को मिलने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं हेड टू हेड परफॉर्मेंस के बारे में। तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आईपीएल के इतिहास में ये दोनों टीमें अभी तक कुल 31 बार आमने सामने हुई है जहां पर भाई मुंबई इंडियंस का पलड़ा थोड़ा सा ज्यादा हैवी है। जी हां, 19 बार यहां पर मुंबई इंडियंस की टीम ने जीत दर्ज की है, केवल 12 बार यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जीत पाई है। लेकिन अगर यूएई कंडीशंस की हम यहां पर बात करते हैं तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई यूएई में अभी तक मुंबई और चेन्नई कुल 3 बार आमने सामने हुए हैं, तीनों स्टेडियम पर आमने सामने हो चुके हैं, दुबई, अबू धाबी और शारजा पर। आप सभी को बताना चाहूंगा कि पिछले साल 2 मैच यहां पर हुए थे आईपीएल 2020 में, एक मैच चेन्नई ने जीता था, एक मैच मुंबई ने जीता था। लेकिन भाई जो मैच साल 2014 में हुआ था वह मैच चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था और भाई जो 3 मैच यूएई में हुए वहां पर 3 में से 2 मैचों में चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत दर्ज की है, एक मैच में यहां पर शारजा के मैदान पर मुंबई इंडियंस को जीत मिली है। आप सभी को बताना चाहूंगा कि दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने शानदार जीत दर्ज की थी और फिर से वहीं पर उसी मैदान पर दोनों टीमें आमने सामने होने वाली है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ बड़े अपडेट्स के बारे में जो इस महामुकाबले की शुरुआत से पहले निकल कर आ रहे। तो भाई मुंबई इंडियंस की टीम तो यहां पर पूरी तरह से मैच खेलने के लिए तैयार है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग की टीम कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबत में नजर आ रही, क्योंकि भाई इनके फिलहाल फाफ डुप्लेसिस टीम के ओपनर बल्लेबाज ग्रोइन इंजरी का शिकार है, जिसके चलते भाई सीपीएल 2021 के लास्ट के मैचों में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे और भाई ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है फर्स्ट मैच के लिए भी उनका खेलना काफी ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। उसके अलावा भाई सैम करन भी यहां पर फर्स्ट मैच में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, हाल ही में वो यूएई पहुंचे और भाई आइसोलेशन पीरियड के चलते वो यहां पर फर्स्ट मैच के लिए अवेलेबल नहीं रह पाएंगे। रविंद्र जडेजा भी इंजर्ड थे, लेकिन भाई रविंद्र जडेजा यहां पर अपनी इंजरी से पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस महामुकाबले के लिए दोनों ही टीमों की फाइनल एंड परफेक्ट प्लेइंग 11 के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 के बारे में। इस महामुकाबले में मुंबई इंडियंस की तरफ से ओपनिंग करने उतरे कप्तान रोहित शर्मा के साथ क्वेंटम डीकॉक, हालांकि ऑप्शन के तौर पर यहां पर क्रिस लिन भी है, लेकिन भाई क्वेंटम डीकॉक को रोहित शर्मा हमें यहां पर ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। नंबर 3 पर आएंगे सूर्य कुमार यादव, नंबर 4 पर आएंगे ईशान किशन, नंबर 5 पर हमें किरण पोलार्ड देखने को मिलेंगे, नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या, नंबर 7 पर कृणाल पांड्या, नंबर 8 पर हमें ऑलराउंडर जेम्स निशम देखने को मिलने वाले हैं, नंबर 9 पर हमें जसप्रीत बुमराह देखने को मिलेंगे, नंबर 10 पर यहां पर हमें ट्रेंट बोल्ट देखने को मिलने वाले और नंबर 11 पर हमें यहां पर इस टीम के जबरदस्त स्पिनर राहुल चहर देखने को मिलने वाले हैं। तो कुछ ऐसी होने वाली इस महामुकाबले के लिए मुंबई इंडियंस की फाइनल प्ले
प्लेइंग 11। वही हम बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 के बारे में। तो इस महामुकाबले में सीएसके की तरफ से ओपनिंग करने उतरेंगे ऋतुराज गायकवाड़ के साथ। फिलहाल तो फाफ डुप्लेसिस का नाम है, लेकिन अगर वो फर्स्ट मैच में अवेलेबल नहीं होते तो भाई उनकी जगह पर प्लेइंग 11 में हमें रोबिन उथप्पा देखने को मिल सकते हैं। नंबर 3 पर हमें दिखाई देंगे ऑलराउंडर मोइन अली, नंबर 4 पर सुरेश रैना, नंबर 5 पर अंबाती रायडू, नंबर 6 पर हमें यहां पर महेंद्र सिंह धोनी देखने को मिलेंगे, नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा आएंगे, नंबर 8 पर वैसे तो सैम करन का नाम है लेकिन भाई सैम करन फर्स्ट मैच के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, तो भाई डीजे ब्रावो हमें यहां पर देखने को मिलेंगे। नंबर 9 पर आएंगे शार्दुल ठाकुर, नंबर 10 पर दीपक चहर और नंबर 11 पर लुंगी एंगिडी या फिर इमरान ताहिर, इन दोनों में से कोई एक खिलाड़ी हमें देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों कुछ ऐसी होने वाली इस महामुकाबले के लिए दोनों टीमों की फाइनल प्लेइंग 11। लेकिन आपको क्या लगता है कौन सी टीम बनेगी इस महामुकाबले की चैंपियन, मुंबई इंडियंस या फिर चेन्नई सुपर किंग्स? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की वीडियो बस इतना ही, ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।